आज मैं आपको क्लास की इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 बताने जा रहा हूँ और वो है फैराडे लॉ इलेक्ट्रोलिसिस में दो तरह के लॉ हैं। आज मैं आपको फर्स्ट लॉ के बारे में बताने जा रहा हूँ, फैराडे फर्स्ट लॉ। सपोज कर लीजिए कि आप मान लीजिए कोई इलेक्ट्रो केमिकल के लिए आपने इलेक्ट्रोकेमिकल जैसे लिया, इसमें दो इलेक्ट्रो डाला, इन दोनों इलेक्ट्रो को एक बैटरी से आपने बैटरी से इसके टर्मिनल से जोड़ दिया, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनेगा और दूसरा निगेटिव की तरह दिया जाता है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब कॉपर सल्फेट के संरक्षण को इसमें निकाल दिया जाता है और उसको बैटरी से जोड़े तो इसमें इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रॉन यहाँ से लीक होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेंगे, सॉल्यूशन के अंदर, और पानी जिधर चलेगी तो करेंट इधर से फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगी तो करेंट इधर से फ्लो होगा। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ये कहा गया था, फैराडे ने ये इस चीज के बारे में बताया कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द पोस्ट ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास। अगर किसी इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन में जितना करंट इसमें पास करेंगे तो जो आपके आयंस जो डिकम्पोज नहीं ज्यादा आयंस डिकम्पोज, यानी कॉपर सल्फेट के जो कॉपर सल्फेट के आयंस नहीं ज्यादा डिकम्पोज होंगे इलेक्ट्रोलिसिस के समय में, एंड क्वांटिटी जो ये क्वांटिटी डिपेंड करती है कॉपर का ज्यादा आयन बनना, वो ये डिपेंड करता है कि करेंट कितने समय तक पास कराया गया, कितने सेकंड तक करंट इसमें क्या होगी फ्लो होगी। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा डिकम्पोजिट वैल्यू है वो डिकम्पोजिट वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टू जो होता है, तो डब्ल्यू की जिक्र यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डब्ल्यू कितना हुआ, डब्ल्यू इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू होती है तो ये कांस्टेंट लगता है क्या जेड और आई टू की जेड क्या है तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस सब्सटेंस है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू है जे। अगर करंट आपने एक एंपियर का फ्लो किया सॉल्यूशन के अंदर कितने कूलम चार्ज के लिए, एक कूलम चार्ज के लिए कितने सेकंड तक, एक सेकंड तक, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वन इंटू वन यानी आई इंटू वन एंपियर ये इंटू वन सेकंड, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जे यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसके इक्विवेलेंट वेट के क्या होता है, इसके इक्विवेलेंट के बराबर होता है जेड के बराबर। अब अगर आप सपोज करिए ये एक कूलम चार्ज के लिए किया, अगर 96,500 कूलम चार्ज के लिए अगर करेंगे तब इसका इक्विवेलेंट वेट कितने के बराबर हो जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू 96,500। अब ये टोटल आपका आएगा ग्राम में, ये कहलाता है वन इक्विवेलेंट वेट यानी जेड इंटू 96,500 ग्राम के। अब ये 96,500 क्यों आया, कैसे आया, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये आपको फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट को अपने दिमाग में रखें क्योंकि इसी फॉर्मेट के आधार पर मैं आपको दूसरा इसके बारे में बताऊंगा कि 96,500 क्यों आता है।